नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 10 MCQ। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तब तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आदमगढ़ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के किस जिले में हैं? ठीक, ऑप्शन ए झाबुआ, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी सतना, ऑप्शन डी होशंगाबाद। ओके, तो आजमगढ़ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के किस जिले में हैं? 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी होशंगाबाद। आदमगढ़ की पहाड़ियाँ होशंगाबाद जिले में होशंगाबाद शहर से 2 किलोमीटर दूर हैं। यहाँ कई ऐतिहासिक गुफाएं, पत्थर के शिलालेख आदि हैं। ठीक है, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी होशंगाबाद। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए धूपगढ़, ऑप्शन बी गुरु शिखर, ऑप्शन सी पारसनाथ, ऑप्शन डी कलसुभाई, कलसुबाई। ओके, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए और बताइए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए धूपगढ़। ठीक है, 1350 मीटर ऊंची धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी में है और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। कलसुबाई महाराष्ट्र, गुरु शिखर राजस्थान, जबकि पारसनाथ झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, तो करेक्ट आंसर है धूपगढ़, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। अगला क्वेश्चन, हाँ, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए इंदिरा सागर बांध, ऑप्शन बी बारगी बांध, ऑप्शन सी बन सागर बांध, ऑप्शन डी गांधी सागर बांध। ओके, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए और बताइए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन बी बारगी बांध। बारगी बांध 5357 मीटर लंबा है, जो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है। इंदिरा सागर 653 मीटर, बन सागर 1020 मीटर लंबा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है बारगी बांध। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हांडी खो नामक खाई किस जगह पर है? ठीक है, ऑप्शन ए पंचमढ़ी, ऑप्शन बी सतना, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी इंदौर। मध्य प्रदेश में हांडी खो नामक खाई किस जगह पर है? 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए पंचमढ़ी। मध्य प्रदेश में हांडी खो नामक खाई 300 मीटर ऊंचे पहाड़ों के बीच है। यह एक लंबी खाई है, यह होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी में है। ठीक, ऑप्शन ए पंचमढ़ी करेक्ट आंसर है, सॉरी पंचमढ़ी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भेड़ा घाट नामक पर्यटक स्थल किस जिले में है? ठीक है, ऑप्शन ए सतना, ऑप्शन बी झाबुआ, ऑप्शन सी छिंदवाड़ा,
ऑप्शन डी जबलपुर। तो भेड़ाघाट नामक पर्यटक स्थल किस जिले में है? 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी जबलपुर। भेड़ाघाट नामक स्थान मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले में है, जो जबलपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ धुआंधार जलप्रपात, संगमरमर पत्थर और 64 योगिनी मंदिर है। ठीक है, ऑप्शन डी जबलपुर करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में किसने पार्लियामेंट्री अवार्ड नहीं जीता? ओके, फिर से पढ़ता हूँ। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में किसने पार्लियामेंट्री अवार्ड नहीं जीता है? ऑप्शन ए शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी अर्जुन सिंह। ओके, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए और बताइए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ने पार्लियामेंट्री अवार्ड नहीं जीता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1994, अर्जुन सिंह सन 2000 में, सुषमा स्वराज ने 2004 में यह पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री अवार्ड किसने नहीं जीता? ऑप्शन ए शिवराज सिंह चौहान ने। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? ठीक है, ऑप्शन ए 1993-94 में, ऑप्शन बी 1994-95, ऑप्शन सी 1995-96, ऑप्शन डी 1996-97। तो मध्य प्रदेश में वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1994-95। मध्य प्रदेश में वित्त आयोग की स्थापना 1994-95 में हुई। ठीक है, ऑप्शन बी 1994-95। अगला क्वेश्चन, प्रादेशिक वित्त आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, ऑप्शन ए 243 जी, ऑप्शन बी 243H, ऑप्शन सी 243I, 243J, ऑप्शन डी। ओके, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी 243I। प्रादेशिक वित्त आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I में है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कालिदास समारोह कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी इंदौर। ओके, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी उज्जैन। कालिदास समारोह की शुरुआत पद्म भूषण विजेता पंडित सूर्य नारायण व्यास ने 1958 में कालिदास की जयंती मनाने के रूप में की। कालिदास प्राचीन भारत के प्रसिद्ध कवि थे। ओके, उज्जैन ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ओके, संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी,
ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी वॉलीबॉल। ठीक है, तो संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित हैं? 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रिकेट। मध्य प्रदेश से आने वाली संध्या अग्रवाल भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी हैं। ऑप्शन बी क्रिकेट। ठीक है, ओके। तो चलिए इस वीडियो में 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।